जहाँ दिया शीश का दान वह भूमि है चुलकाना धाम, जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वह भूमि है खाटू धाम। दिल्ली से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर पानीपत के समालखा कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चुलकाना गांव, जिसे आप चुलकाना धाम के नाम से भी जानते हैं। कार्य प्रधान जी, हाँ जी बताएं सर। आप सभी श्याम भक्तों का चुलकाना धाम में हार्दिक स्वागत है और आप पत्रकार महोदय जी का भी स्वागत है चुलकाना धाम पहुंचने पर। ये वो पावन पवित्र भूमि है जहां बाबा ने अपने शीश का दान दिया और खाटों में जाकर प्रकट हो गए। प्रेमियों, आपको एक विशेष जानकारी साझा करेंगे आप सभी से कि चुलकाना धाम में बाबा के धड़ की पूजा होती है और खाटों में बाबा के शीश की पूजा होती है। इस कलयुग की यात्रा को पूरी करने के लिए आप सभी अवश्य चुलकाना धाम आए, क्योंकि यहाँ पर बाबा के धड़ के चरणों के दर्शन करेंगे और खाटों में बाबा के शीश के, ताकि पूर्ण शरीर के दर्शन हो जाए और दोनों धामों की यात्रा पूरी हो जाए। बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो चुलकाना धाम की जय। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी टीम निकल चुकी है खाटू श्याम की उस परिधाम पर जहाँ खाटू जी ने श्री कृष्ण को अपना शीश दान दिया था, और दर्शन करवाएंगे उस वृक्ष की जहाँ मात्र एक बांध से पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया गया था। मंदिर के प्रमुख द्वार पर खाटू बाबा की मूर्ति के दर्शन होते हैं, जिसे खाटू बाबा जी श्री कृष्ण जी को अपना शीश दान करते हुए नजर आ रहे हैं। खाटू श्याम को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार बताया गया है। खाटू श्याम भगवान के सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर के कई भक्त हैं। खाटू श्याम जी के वैसे तो कई धाम हैं, लेकिन उनका यह प्राचीन ऐतिहासिक धाम भी है, जिसे कलयुग में सर्वोत्तम तीर्थ माना गया है, जिसे चुलकाना धाम के नाम से आप और हम सभी जानते हैं। मैंने सुना है तू बिगड़ी बनाता, मैंने सुना है तू बिगड़ी बनाता, बिल बोले भगतों की नाम चलाता, बोले भगतों की नाम चलाता। जिंदगी में ध्यान रखना, जग को आंसू दिखलाकर तेरी इज्जत तू ना खोना, जब दिल भराए तेरा मेरे शाम के आगे रोना। आंसू जो बहता है बह बह कर कहता है, आंसू जो बहता है बह बह कर कहता है, तुझ पे भरोसा है जीतू का एक दिन, ये कहता है कुछ लोग। हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे। तू है मेरा
एक सावेरा तू है मेरा एक सावेरा मैं हूँ तेरा एक बावेरा एक फूल चढ़ाने आया हूँ एक फूल चढ़ाने आया हूँ बाबा तेरे दर्शन के लिए फूल चढ़ाने आया हूँ बाबा तेरे दर्शन के लिए एक फूल चढ़ा। जहाँ आज भी पीपल का वो पेड़ स्थित है इसके सारे पत्ते खाटू श्याम के एक तीर से भेद दिए गए थे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कई सारी चीजें। चुलकाना धाम में मौजूद इस पीपल के पेड़ की परिक्रमा की जाती है और भक्तों का मानना है कि इस पेड़ की परिक्रमा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्त इस पेड़ पर अपनी मन्नत का धागा भी बांधते हैं। और इनकी महिमा अपरंपार इसलिए बोलेंगे हारे का सहारे है ये। कैसे है जब इन्होंने अपनी माँ को वादा किया हुआ था कि कोई भी मेरे पास आएगा तो मैं उसको खाली नहीं लौटाऊंगा। दान देना जानते हैं ये, कभी भी मेरे हाथ से कोई खाली नहीं जाएगा। तो जब कौरव और पांडव का महाभारत का युद्ध चल रहा था तो कौरव हारने लग रहे थे, तो वो बोल रहा था कि किसी को भी मैं हारने नहीं दूंगा, जो भी हारेगा मैं उसके पलड़े में जाके खड़ा हो जाऊंगा, तो वो हारेगा नहीं क्योंकि ये हारे के सहारा है बाबा श्याम हमारा, जो कि हम बोलते ही है। तो जब ये वहाँ पर लड़ने के लिए जा रहे थे तो कृष्ण जी अपना एक पंडित जी का रूप बनाकर वहाँ पर आए और उन्होंने उनको बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, तो बोला ये युद्ध चल रहा है महाभारत का, उसी को देखने जा रहा हूँ और जो भी हारेगा मैं उनका सहारा बनूंगा। तो कृष्ण जी ये बात जानते थे कि अगर ये वहाँ पर चले गए तो युद्ध का निश्चय नहीं हो पाएगा। तो फिर उन्होंने उनको बोला कि तुम किसका सहारा बनोगे, बोलेगा जो भी हारेगा। तो वो तो जानते थे कि कौरव ही हार रहे हैं, कौरव की तरफ अगर ये खड़े हो जाएंगे तो मैं भी युद्ध को नहीं जिता पाऊंगा जी। तो वो उन्होंने बोला कि अब तुम्हारे ये जो कश में तीन दान है, तरकश में ये तीन जो बाण है वो किस लिए है। उन्होंने बोला ये तीन बाण है जो मुझे शिव जी ने दिए है और एक ही बाण इसका निकालना पड़ता है मुझे, दूसरे और तीसरे की कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो बोले क्या है तुम, मतलब इस बाण को कैसे साबित कर सकते हो। तो बोले इस पेड़ में कृष्ण जी ने उनको बोला ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है पीपल के पत्तों का, यही पेड़ है वो। हाँ यही वो पेड़ है जी। इस पेड़ में जितने पत्ते हैं क्या तुम एक ही तीर से सबको भेद पाएंगे जी। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं भेद दूंगा। तो उन्होंने बोला कि अपनी महिमा दिखा। कृष्ण जी ये बात जानते थे कि वो भेद पाएंगे, तो उन्होंने अपना एक पत्ता अपने पाँव के नीचे रख लिया जी। उन्होंने तरकश से बाण निकाला और वो सारे पत्ते उन्होंने भेद दिए और वो फिर बाण जो है उनके पाँव के पास आकर रुक गया जी। तो उन्होंने बोला कि अपना कदम हटाइए मुनि जी, आपके पाँव के नीचे एक पत्ता है उसको भेदेगा वो जी। तो वो जान गए कि ये सबको जानता। फिर बोला कि आपने ये जो चालाकी की है, क्या ये वही देवभूमि है जहाँ पे इन्होंने अपने शीश को दान दिया था। हाँ यस, यहीं पर उन्होंने शीश को दान दिया था और उनका शीश। थोड़ा ये पीपल के पेड़ के बारे में थोड़ा सा दिखाइए कि यहाँ पे कौन सा पत्ता आपको इस तरह से लग रहा था। कोई भी एक पत्ता अगर आप देखेंगे, मैं काफी देर पहले भी यहाँ पर देखी, एक भी पत्ता ऐसा नहीं है जिसमें छेद नहीं है। सोचा जब उन्होंने कृष्ण जी ने, कृष्ण एक भगवान जी, उन्होंने अपने पैर के नीचे एक पत्ते को रखा और वो जो बाण है वो उनके पाँव के पास आके रुक गया और उनको ये पता लगा कि यहाँ पर भी पत्ता है, जो खुद भगवान के ब्रह्मांड के पाँव के नीचे का पत्ता उनके बाण को पता लगा। तो वो ये समझ चुके थे कि अगर ये खड़ा हो जाएगा तो उस युद्ध का निश्चय नहीं होगा, निश्चय नहीं हो पाएगा। तो फिर उन्होंने बोला कि आप अपने असली रूप में आइए, आप कौन हो जो आपने अपने ये कलाकारी की कि आपने पत्ता अपने पाँव के नीचे दबाया। तो कृष्ण जी अपने पूरे रूप में आए अपनी 16 कलाओं के साथ, तो उन्होंने अपने दर्शन दिए। तो फिर उन्होंने उनको बोला कि इस युद्ध को जीतने के लिए हमें, मतलब मैं खुद कृष्ण जी हूँ इस सृष्टि का रचयिता, तो इन तीनों में से किसी एक का सिर मुझे चाहिए। और वो तीन लोग कौन थे, एक तो अर्जुन, एक खुद कृष्ण जी और तीसरे बर्बरीक। तो उन्होंने बोला कि हमें किसी एक का सिर काटना होगा तभी युद्ध का निश्चय हो पाएगा। तो बर्बरीक ने एक मिनट का समय नहीं लगाया, उन्होंने अपना शीश उनको दान किया। बहरहाल बर्बरीक के शीश दान के बलिदान को देखकर श्री कृष्ण जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, तुम्हें कलयुग में लोग खाटू श्याम के नाम से जानेंगे। जिस स्थान पर श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक को वरदान दिया
वह पावन स्थल है चुलकाना की। यही वजह है कि आज भी यहाँ भक्तगण लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं और बाबा खाटू के दर्शन और पूजन कर रहे हैं। गांव चुलकाना जी, देखिए हम श्याम मंदिर सेवा समिति मुख्य सेवक जी। अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी जोर शोर से यहाँ पर विकास का काम चल रहा है, चाहे वेल्डिंग हो या पार्क का नवीकरण हो, क्या कहेंगे इस पर? ये तो व्यवस्था बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है जी, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में भगत जन आते हैं दर्शनों के लिए, और उनकी व्यवस्था बनाना तो ये समिति का काम है जी। तो ये आप देख रहे हैं काम जोरों पर है जी। ये हमारा इरादा है कि 1 जनवरी तक हम कंप्लीट कर दें जी, ताकि आने वाले भक्तों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, 2024 का नया रूप देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ है, ठीक है, मंदिर परिसर में जब हम आते हैं तो यहाँ पे सारे चौकसंद सब कुछ बढ़िया लगता है, लेकिन वही अगर हम इसकी बाबा की चौखट से बाहर निकलते हैं तो वही खुली नालियाँ हैं, टूटे हुए सड़कें हैं, तो इसके लिए आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं या सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं? ऐसा है, ये तो गाँव में सीवरेज नहीं थी पहले जी, खुली नालियाँ थी और अब ये सीवरेज होगी, उसकी वजह से कुछ व्यवस्था ठीक हो चुकी है, कुछ बाकी है, अभी ठेकेदारों का काम पेंडिंग है, तब तक ये काम ठेकेदार निपटाएंगे, उसके बाद पंचायत भी करेगी, और जहाँ हमारे आसपास कोई है मंदिर समिति के नजदीक का कोई करिए, हम कर देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा प्रधान जी, कहा जाता है कि सर जो है बाबा का वो है राजस्थान में सीकर में, ऐसा है जी, और बाकी जो है उनका शरीर का पूरा हिस्सा वो यहाँ पे है। ये तो यहाँ तो शीश का दान हुआ था जी, यहाँ धड़की पूजा है, श्री कृष्ण भगवान ने यही परीक्षा ली थी इनकी जी, यहाँ पे धड़की पूजा और खाटू में शीश की पूजा है जी। हम देख रहे हैं भक्तों का यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे आना जाना, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए, कितनी तादाद में रोजाना भक्त यहाँ पे आके दर्शन करते हैं? यहाँ पे 50-60 हज़ार डेली भक्त दर्शन करते हैं जी, और जिस दिन कोई मेन संडे छुट्टी हो या एकादशी हो, उस दिन तो कोई अनुमान ही नहीं है कितने भक्त दर्शन करके, 2 लाख करके, 2.5 लाख करके, कोई अनुमान नहीं। अच्छा, यहाँ पे आप प्रधान होने के नाते आप और क्या क्या बताएंगे, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मिलने जाने वाली है, यहाँ पे आने वाले दर्शन? यहाँ पर सुविधा है, हमारे पास 20 रूम है जी, अगर दूर दराज से कोई भगत आया और जा नहीं सकता जी, उसकी ठहरने की व्यवस्था है हमारे पास जी, निःशुल्क उसके हाथ, कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा उससे, और साइड में बाथरूम है जी, और नहाने का प्रबंध कमरों में, 7 लेटरिन अटैच है जी, बेड वेड डले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू, वैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे दोनों, अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे दोनों हाथ जो लेने आ जा, खाटू वाले लेने आ जा, खाटू वाले रिंगस के उस बोले पे, सुनते ही बाड़े चले आए मोर, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन भाए, लगाया गले से बोले सुदामा गया था, अरे गया था तो अंदर तक थोड़ी ना गया था, रिसीव करने तो खुद कन्हैया नंगे पांव दौड़ कर गया था। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा गरीब आ गया, गरीब आ गया, मैं ना जानू पुजारी चन इतना मैंने जान लिया, मैं ना जानू पुजारी चन इतना मैंने जान लिया, तू
ही दौलत तू ही शहरत सब कुछ तुझको मान लिया। तू ही दौलत तू ही शहरत सब कुछ तुझको मान लिया। अपने पराए छोड़ गए बाबा दिल मेरा ये तोड़ के। अपने पराए छोड़ गए बाबा दिल मेरा ये पूरी आवाज में रिंग नज गए उस